दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडर की अगर मैं बात करूं तो जो कॉल राइटर हैं वो आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि निफ्टी का एक अहम लेवल जो 15,100 है, वहां से निफ्टी वापस नीचे की तरफ घूम गया है और 15,100 या 15,150 ये दोनों इतने अहम लेवल हैं कि यहां पर बहुत सारे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ये मैं आपको ऑप्शन चैन देख के नहीं बता रहा हूँ, ये टेक्निकल चार्ट पर हम चलेंगे और वहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है 15,130 या 40 के आसपास एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो उसको राउंड फिगर में 15,100 कहेंगे या 15,150 कहें, जो आपको समझने की इच्छा है वो आप समझ सकते हैं, जो एक बहुत अहम लेवल है और मैं खुद उस लेवल को पिछले 3 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ जहाँ से निफ्टी बार बार घूम जाता है। तो आज इस वीडियो में मैंने जो थंबनेल लगाया है कि बहुत बड़ी खुशी की बात है, पैसा तो बिल्कुल बनेगा, तो आज इस वीडियो में मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जो मंथली एक्सपायरी में ऑप्शन ट्रेड करते हैं और जो कॉल पुट राइटर हैं। कॉल पुट बायर के लिए वीडियो नहीं है। अगर कॉल पुट बायर जो बाई करके ट्रेड करते हैं वो भी इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए कि कॉल राइट या पुट राइट करना कितना फ़ायदेमंद होता है और किस तरह से आप ऑप्शन से मंथली ट्रेड करके हर महीने एक मोटा पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में करके हर साल एक इंटरेस्ट ले जाते हैं, उसी तरह आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हर महीने ऑप्शन को राइट करके या ऑप्शन को सेल करके एक अच्छा खासा मुनाफा हर महीने घर ले जा सकते हैं। तो आई लव ऑप्शन राइटिंग, लेकिन ऑप्शन बाइंग करने वाले भी पैसा बनाते हैं और कम पैसे में बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस अगर पैसा कमाना है तो ऑप्शन राइट ही करना पड़ेगा दोस्तों, ऑप्शन सेल ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बाय करने से आप रेगुलर पैसा नहीं बना पाएंगे, वहाँ आपको रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं केवल ये बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि कैसे निफ्टी ने एक अहम लेवल 15,100 या 15,150 कहेंगे कि, या फिर राउंड फिगर में आप ले लो 15,150, 15,150 के लेवल के पहले निफ्टी वापस नीचे की तरफ घूम गया है। कल की अगर मैं बात बोलूँ तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर थे जो कॉल साइड राइट करके बैठे हुए थे और वो धीरे धीरे पुट्स कॉल साइड जो स्क्वायर ऑफ करके पुट साइड में पुट राइट करने लगे थे, लेकिन आज उनके लिए बैड न्यूज़ था जिन्होंने अपना पोजिशन कल ही चेंज कर दिया था। क्योंकि पोजीशन आप तभी चेंज कीजिए जब तक पूरी तरह से कंफर्मेशन ना मिल जाए। कल कंफर्मेशन नहीं मिला था, लेकिन हाँ 15,100 के लेवल को निफ्टी ने टच कर रखा था और ये बहुत ज़्यादा संभावना थी कि आज यानी बुधवार को 19 तारीख के डेट में निफ्टी जो है 15,100 के लेवल को ब्रीच कर जाएगा और फर्दर 15,500 के लेवल के लिए आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। 15,100 का जो लेवल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है जहां से निफ्टी वापस नीचे की तरफ घूम गया है और उन लोगों के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई है जो 15,100 के लेवल पर कॉल राइट करके बैठे हुए थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो बिल्कुल अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किए होंगे, वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि 15,100 के ऊपर जब आज निफ्टी क्लोजिंग दे देगा तब लास्ट टाइम में 3:15 से 3:30 के बीच में अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके वो पुट साइड में चाहे कॉल साइड में ही और ऊपर पोजीशन ले सकते थे। तो ये उन लोग, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, जो ऑप्शन से रेगुलर कई सालों से पैसा बनाते आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो डर गए थे पिछले ही दिन, यानी कि कल के ही दिन उन्होंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके पुट साइड पोजीशन बना लिए या फिर कॉल साइड ही और ऊपर के तरफ बढ़ करके उन्होंने पोजीशन बना लिया, तो जो पुट कॉल साइड ऊपर के तरफ बढ़ करके जिन्होंने पोजीशन बनाया उनका तो ठीक है, उनको आज प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन जो पुट साइड जिन्होंने पोजीशन बना लिया है उनको हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी के पहले नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि निफ्टी वापस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की तरफ घूम गया है और फर्दर हो सकता है कि मार्केट में फिर से थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिले और एक्सपायरी में अब ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि आज 19 तारीख हो गई, कल वीकली एक्सपायरी है, यानी कि 20 मई को वीकली एक्सपायरी है और अगली वीकली एक्सपायरी जो है वो इस मंथ का लास्ट एक्सपायरी है, तो समय बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कॉल ऑप्शन राइटर आज बिल्कुल खुश होंगे जिन्होंने 15,100 का जो अहम लेवल है, जिन्होंने
जिन्होंने चार्ट एनालिसिस करके कॉल राइट किया था वो बिल्कुल 15,100 या 15,150 के लेवल पर उन्होंने कॉल राइट किया होगा, और बिल्कुल आज वो खुश होंगे और आज वो फिर से ये सोच रहे होंगे कि इस महीने भी एक फिक्स अर्निंग मुझे मिल जाएगी और हम 27 मई को एक्सपायरी के दिन जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर घर चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उस लेवल को फाइंड आउट जो मैंने किया है, काफ़ी दिनों से कर रखा है और उस लेवल को मैं ट्रैक भी कर रहा था। तो चलिए हम लोग चार्ट पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर निफ्टी नीचे की तरफ घूमता है तो कौन से लेवल तक निफ्टी आ सकता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लेवल है। एक जो लेवल जो मैंने आपसे चर्चा की थी वो ये वाला लेवल है, जहाँ से निफ्टी जो है आप देखेंगे यहाँ पर कैंडल बनाकर निफ्टी कल बिल्कुल इस लेवल पर आकर का क्लोजिंग दिया था, जबकि आज निफ्टी इसी लेवल से वापस नीचे की तरफ घूम गया है। अब जो है निफ्टी का जो लेवल आता है वो जो लेवल है जहाँ तक निफ्टी जा सकता है रिसेंट कुछ दिनों में, तो वो पहला लेवल तो आपका यहाँ पर निकल कर आता है इस जगह पर। फिर दूसरा लेवल जो आता है वो 14,500 के आसपास आता है इस लेवल पर। फिर तीसरा जो लेवल आता है वो 14,300 के आसपास आता है। तो ये तीनों लेवल जो है बहुत अहम लेवल है, और इन तीनों लेवल पर अगर पुट राइटर ने पुट राइट किया होगा तो उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर जिन्होंने पुट राइट बिल्कुल दूर में किया था, यानी कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बहुत सपोर्टिव लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, अगर 13,400 या 13,500 के आसपास जिन्होंने पुट को राइट किया होगा उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन तीनों लेवल पर जिन जिन लोगों ने पुट को राइट किया होगा उनको आने वाले समय में नुकसान सहना पड़ सकता है। समय कम है, उम्मीद कम है कि निफ्टी इस लेवल तक जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मार्केट है, मार्केट में कुछ भी एक्यूरेट कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा। यानी कि निफ्टी ये दोनों लेवल को तो अप्रोच कर सकता है 10 दिन के अंदर, लेकिन ये वाला लेवल को अप्रोच करना निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों लेवल पर, ये वाला लेवल और ये वाला जो लेवल है, इन दोनों लेवल पर अगर जिन्होंने पुट राइट किया है उनको ज़्यादा खतरा है। अगर इस लेवल पर जिन्होंने पुट राइट किया है उनको थोड़ा कम खतरा है, लेकिन खतरा इन तीनों लेवल पर है, आप इस बात को ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ी बात है, जो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि देखिए कितनी खूबसूरती से निफ्टी ने इस लेवल को टच करके, चूम करके वापस नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किया है। तो और दूसरा जो ये सपोर्टिव लेवल है, ये जो निफ्टी का बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक निफ्टी का आना लगभग नामुमकिन सा है, इतना नीचे निफ्टी नहीं आएगा। तो इस लेवल पर पुट राइट करने वाले बिल्कुल सेफ हैं, और आने वाले नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में भी अगर कोई पुट को सेल करना चाहते हैं तो इस लेवल पर सेल कर सकते हैं। अब नई सेलिंग अगर कॉल राइटर करना चाहते हैं तो वो अभी इस लेवल पर ना करें, एक सप्ताह बचा हुआ है इस महीने के एक्सपायरी में, वेट करें, ध्यान दें निफ्टी पर, निफ्टी का मूवमेंट किस और होता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, उसके बाद ही अपना पोजिशन ले। तो ये जो लेवल था ये बहुत अहम लेवल था, जहाँ से निफ्टी वापस नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और इस वजह से कॉल राइटर को बहुत बड़ी एक उम्मीद जगी है कि अब उनको इस मंथ भी प्रॉफिट हो जाएगा और उनको लॉस नहीं सहना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी जो आज निफ्टी ने बहुत अच्छा जो रिकवर दिखाया, वापस नीचे की तरफ आया, ये कॉल राइटर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो ये तो अब सुनिश्चित हो गया, ये पक्का हो गया कि अब इस लाइन के नीचे ऊपर, इस लाइन के ऊपर अगर नहीं जाता है निफ्टी तो कॉल राइटर को बिल्कुल 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 प्रॉफिट होने वाला है, और चांसेस भी कम लग रहे हैं कि निफ्टी 15,126 के ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ये था ऑप्शन ट्रेडर पर हमारा वीडियो, लेकिन ये वीडियो उनके लिए था जो ऑप्शन राइटर हैं, ऑप्शन बायर के लिए वीडियो नहीं था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके पास आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।